हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 27 कुकिंग टिप्स से बचाएं समय और बढ़ाएं खाने का स्वाद। नंबर वन, चीनी के डब्बे में 6-7 लौंग डाल दें, इससे चींटियां नहीं लगेंगी। नंबर टू, चावल पकाने के दौरान उसमें नींबू का रस मिला दें, इससे चावल खिले खिले सफ़ेद और टेस्टी बनेंगे। ये मैंने खुद भी आज़माया है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। नंबर थ्री, राजमा रात में भिगो ना पाए तो परेशान ना हो, आप राजमा और पानी के साथ कुकर में एक चिकनी सुपारी डाल दें और 2 सीटी लगाएं, फिर उसे ठंडा होने पर उसमें उसका ढक्कन खोलें और एक ट्रे आइस क्यूब की डालकर 3-4 सीटी लगाएं, राजमा अच्छे से गल जाएंगे। नंबर फोर, राजमा या उड़द की दाल पकाते समय उसमें नमक ना डालें, इससे वह जल्दी पकेगा, नमक आप पकने के बाद डालें। नंबर फाइव, दाल बनाते समय उसमें झाग बनने लगे तो दाल को बर्तन से बाहर छलकने से बचाने के लिए पानी के साथ 1 चम्मच घी डाल दें, बर्तन के ऊपर चमचा या पलटा रखने से भी दाल बाहर नहीं गिरेगी। नंबर सिक्स, पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिलाने से पूरियां खस्ता बनती हैं। नंबर सेवन, अगर आप आटा फ्रिज में रखने वाले हैं तो उसमें 1 चम्मच घी लगा दें, आटे के ऊपर 1 चम्मच घी लगा दें, फिर ढककर फ्रिज में रख दें, इससे आटा ताज़ा बना रहेगा। नंबर एट, आटे में 1 चम्मच चीनी मिलाने से पूरियां फूली फूली बनती हैं। नंबर नाइन, तंदूरी चपाती बनाना चाहते हैं तो आटा लगाते समय उसमें दही मिला दें, आटा गूंथने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें, चपाती नरम बनेंगी। नंबर टेन, एक बार आटा गूंथ लेने के बाद उसमें 1 चम्मच घी मिलाकर दोबारा गूंथने से आटा जल्दी सूखता नहीं है। नंबर 11, आटा गूंथते समय पानी के साथ साथ उसमें थोड़ा दूध मिला दें, रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। नंबर 12, फटे हुए दूध से पनीर बना लेने के बाद आप बचे हुए पानी से आटा गूंथें, तंदूरी चपाती बहुत ही नरम बनेगी। नंबर 13, पनीर को नरम करना हो तो पनीर में नमक मिलाकर, पानी में नमक मिलाकर पनीर को 10 मिनट के लिए रख दें, पनीर नरम हो जाएगी। नंबर 14, प्याज को फ्राई करते समय उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा। नंबर 15, 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड स्लाइस को और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर दें, इससे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। नंबर 16, दही जमाने के लिए अगर आपके पास जामन नहीं है
तो आप दूध में एक हरी मिर्च डालकर रख दें, दही जम जाएगा। नंबर 17, प्याज काटने से पहले प्याज को कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से प्याज काटने के समय आंसू नहीं आएंगे। नंबर 18, चीज़ को कसने के समय वह चिपक जाता है, कद्दूकस पे चिपक जाता है। इससे बचने के लिए आपको कद्दूकस पर थोड़ा सा तेल लगा दें। आप जो हैं वो कद्दूकस पर थोड़ा सा तेल लगा दें, इससे चीज़ चिपकेगी नहीं। नंबर 19, दाल के चीले बनाते समय उसमें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें, चीले कुरकुरे बनेंगे। नंबर 20, चावल बनाते समय बचे हुए पानी या माड़ में नींबू का रस मिला लें। आप उसे बालों में लगाकर आधा घंटा रखें, फिर बाल धो लें, बाल चमकदार और मुलायम हो जाएंगे। नंबर 21, इडली डोसा का बैटर खट्टा हो गया है तो उसमें नारियल का दूध मिला लें, खट्टापन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये मेरे विचार कैसे लगते हैं, किचन टिप्स आपको कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। इससे हमारा मोटिवेशन होता है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नंबर 22, नूडल्स उबालने के बाद यदि उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वह आपस में नहीं चिपकेंगे। नूडल्स उबालते समय उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। 23, मिर्चे के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दें तो मिर्च की उम्र बढ़ जाती है। 24, फर्श चमकाने के लिए 1 कप सिरका में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से फर्श चमक उठता है। 25, अगर किचन में कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उस पर थोड़ा सा ब्लीच डालकर ब्रश से साफ करने से फर्श चमक उठेगा। 26, कटिंग हिस्से को काला होने से बचाने के लिए उस पर थोड़ा सा नींबू का रस लगा दें। 27, ज़्यादा है तो उसे थोड़ी देर गर्म पानी में डालकर रखें, उसके बाद नींबू काटने से नींबू का रस ज़्यादा निकलेगा। आप जान चुके हैं किचन के 27 टिप्स जो आपके काम को आसान बना देंगे। वीडियो देखने के बाद आप अपना सिर्फ जल्दी खाना बना पाएंगे बल्कि उसका स्वाद भी
बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।